हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि बरसात बिल्कुल अच्छी तरह मेरे ख्याल से शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना तो शुरू हो ही गया है, आप जानते हैं। तो अब हम जो है वो इस टाइम कटिंग्स लगा सकते हैं पौधों की, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। और कटिंग लगाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, तभी कटिंग अच्छे से लगती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें कौन कौन से पौधों की कटिंग इस टाइम हम लगाएं। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं इस मौसम में। तो शुरुआत करती हूँ मैं सबसे आसान पौधे के लिए, जो आप में से कई लोगों को मुश्किल भी लगता होगा। बस ये देखिए जेब, ऐसे इनकी कटिंग लीजिए। और कटिंग लगाने के लिए आप आधा मिट्टी और आधा रिवर सैंड जो है उसको लीजिए। और कोई भी तो ऐसे मिट्टी के नीचे जो है वो पत्ते नहीं जाने चाहिए, ऐसे छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाएगी। बिल्कुल इससे भी अगर मैं ये इतनी हाफ कटिंग लूँगी तो भी इसकी इतनी सी कटिंग भी लग जाएगी। तो जेड बहुत अच्छा प्लांट है कटिंग लगाने के लिए। ये मोगरा बहुत अच्छा लगेगा, जैसे बस ये आपने मोगरा की इतनी बड़ी कटिंग ले ली, बस ऐसी कटिंग भी मोगरा की चल जाएगी। इतनी सी कटिंग से मैंने मोगरा लगाया हुआ है। और मैं मेरे बैकयार्ड में आपको मैं मोगरे का पौधा दिखाती हूँ, वो कम से कम 4-5 फुट ऊँचा हो गया था, अब मैंने उसको छोटा कर दिया है क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। देखिए ऐसी कटिंग मोगरा की कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम आप चमेली की कटिंग लगा सकते हैं। एक आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए मेरे जूही का देखिए प्लांट कैसे दीवार के साथ ये चढ़ रही है, जूही की बेल। वो देखिए जूही में फ्लावर भी थोड़े से आए हुए हैं। ये जहाँ पड़ी है एक्चुअली इस जगह पे इनको बारिश का पानी नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा बारिश होगी तो मिलेगा। तो जूही की भी ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको कटिंग बताई ये लगा सकते हैं। ये देखिए ये है वेरीगेटेड चाइनीज वॉयलेट, इसकी आप छोटी छोटी ऐसी कटिंग छोटी छोटी लेके बस ऐसे गमले में लगा दीजिए। और जो थोड़ी मोटी कटिंग या ऐसी लेते हैं उनको तो आप रूटिंग हार्मोन लगाएं, ज़्यादा पतली कटिंग को रूटिंग हार्मोन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट की कटिंग इस टाइम बहुत आसानी से, ये देखिए एकेलिफा की ऐसे ये लीजिए कटिंग ऐसे। और कहीं भी आप जाते हैं ना गार्डन वगैरह में, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए ऐसे ज़्यादातर पत्ते कटिंग के। मैं इस पर कैसी कटिंग लगानी कैसे है इस पर वीडियो कल बनाती हूँ, अभी मैं बताती हूँ किन किन प्लांट्स के आप नाम लिखिए। और उससे क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं ना तो आपको गार्डन में या कहीं किसी के दिखता है, आप इतनी सी डंडी के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको। और एक्चुअली कैसे लेनी है क्या ये कल मैं आपको बताऊंगी, अभी आप नाम नोट कीजिए। एकेलिफा लग जाएगा, ये देखिए ये इसी तरह से इसकी ले सकते हैं आप, इरेंथिमम की कटिंग ले सकते हैं। इरेंथिमम की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, सबकी कटिंग आप इस तरह से ले सकते हैं और लगा सकते हैं। इस मौसम में जो हम फाइकस, देखिए ये मैंने एक फाइकस की कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए ये फाइकस की एक कटिंग मेरी ग्रो कर रही है। ये देखिए फाइकस की कटिंग्स इस टाइम, छोटी से छोटी कटिंग फाइकस की आप लीजिए, वो इस टाइम बहुत अच्छी लग जाएगी आप। देखिए इस टाइम आप ये अरेलिया की कटिंग बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं, ये लीजिए मैंने कटिंग। और कटिंग जब आप लेते हैं और आपको उस टाइम नहीं लगानी होती है, जैसे आप लाए तो आप किसी पेपर में लपेट के ले आए ताकि उसका मॉइस्चर लॉस नहीं हो, अरेलिया की कटिंग इस टाइम बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए अरेलिया की एक ये वैरायटी है, अरेलिया की एक मेरे पास अरेलिया की देखिए ये वैरायटी है। अरेलिया की कटिंग इस टाइम आपकी बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाया है और ये देखिए ड्रेसीना लगाया है, ये देखिए ड्रेसीना की कटिंग, ये तो मैंने बहुत बड़ा पोर्शन लगा दिया। ये जैसे ड्रेसीना है इनकी आप कटिंग लेके इस मौसम में, ये है ड्रेसीना, ये वाला देखिए ये भी ड्रेसीना है, ये भी ड्रेसीना है, इनकी कटिंग्स आप ऊपर का जो ग्रोइंग पॉइंट है ना, जैसे इसका ये ग्रोइंग पॉइंट है, मैं लूँगी नहीं इस टाइम, लेकिन ये ग्रोइंग पॉइंट यहाँ से इसको जैसे यहाँ से काट लें और इसकी कटिंग लगा दें तो इस टाइम रूटिंग बहुत जल्दी होती है, इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। सेंसिवेरिया जो है ना, मून वाला सेंसिवेरिया है, मून लाइट,
लेकिन नॉर्मल कोई भी सेंसिव एरिया है उसकी कोई भी पत्ती आप निकाल के, पत्ती का एक टुकड़ा भी मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है कि सेंसिव एरिया को कटिंग से कैसे लगाते हैं। सेंसिव एरिया किसी भी टाइप का सेंसिव एरिया हो इस टाइम उसकी कटिंग बहुत अच्छी लगेगी आपके। कोलियस की कटिंग इस टाइम बहुत अच्छी लगेगी, आपके पास कोलियस है तो उसकी कटिंग लगा लीजिए। बस नॉर्मल जैसे मैंने ये लिया है ऐसे कोलियस की कटिंग लेके और लगा दीजिए, कोलियस की बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपके पास ये तो 12 महीने बहुत अच्छा चलता है टेंगल्ड हार्ट, इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। और अब देखिए बारिश शुरू हो गई है और देखिए कैसे काले काले बादल आए हुए हैं। 6 बजे का टाइम है और कितना अंधेरा हो रहा है, आपको शायद वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिखे। आप गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है, मैं इस टाइम विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, वीडियो में दिखेगा नहीं, तो मैं अब कल एक वीडियो डालूंगी कि आपको कटिंग लगानी कैसी है और साथ में कुछ और प्लांट्स आपको बताऊंगी जिनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।